कॉजेज ऑफ द ईयर डिस्चार्ज, कान क्यों बहता है, बड़े दुखी हैं, कान क्यों बहता है दोस्तों? यस दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, इंडिया जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें अभी भी बहुत कॉमन है ईयर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, एंड अच्छे अच्छे लोगों को है दोस्तों। सो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट इज़ द कॉजेज ऑफ द ईयर डिस्चार्ज। दोस्तों, ईयर डिस्चार्ज का जो कारण है, उसमें सबसे मेन जो कारण हमारा निकल के आता है वो होता है एक तो इन्फेक्शन। कान के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है दोस्तों, कान के अंदर, क्योंकि कान एक दोस्तों ब्लाइंड कैविटी होता है, क्योंकि आगे पर्दा होता है एंड इतना जो है वो करीब करीब जो है 2.5 सेंटीमीटर की हमारी कैनाल होती है, तो उस ब्लाइंड के कैविटी के अंदर क्या होता है, कई बार इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत बार जो बारिश के दिन होते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, और उस ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, कान के अंदर जो है फंगस का डेवलपमेंट होता है। अब फंगस कहाँ आती है, आप बोलोगे मैं तो बहुत साफ़ सुथरे वातावरण में रहता हूँ। दोस्तों, घर पे इतने साफ सुथरे वातावरण में अचार का डिब्बा खुला छोड़ देते हैं, उसमें फंगस कहाँ से आ जाती है? यस, आपको अभी समझ में आ गया, क्योंकि वातावरण में हमारे नमी होती है तो फंगस स्पेरुल्स ग्रो कर जाते हैं, ऐसे ही जो है हमारे फंगल जो है वो ग्रो कर जाती है। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, सर मेरे ही क्यों होता है ये? सो दोस्तों, उसका कारण क्या होता है कि इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ मल्टीपल टाइम्स यू यूज़ द ईयर वैक्स, ईयरबड, पिन, पेंसिल, कीज, अगर आपकी आदत है कि बार बार कान के अंदर डालने की, सो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं पता है, कान साफ नहीं कर रहे। ये जो बाहर चाबी पे जो इन्फेक्शन था वो कान में डाला आपने, वो रोज़ आप डालते हो, अंदर इन्फेक्शन जाता जाएगा, फंगस क्रिएट होती जाएगी। आप जो बड़े शौक से जो कॉमर्शियल अवेलेबल जो ये ईयरबड है दोस्तों, जब हम ईयरबड का बड जो ओपन करते हैं पैकेट, उस टाइम स्ट्राइल होता है, जब उसके बाद वो ओपन पैकेट होता है, वो जो हमारी कॉटन होती है, उसके बाद में जो वातावरण की नमी या जो वातावरण में फंगस होता है, वो जो है कान के अंदर जो है वो वापस चली जाती है। हम उसको बार बार अंदर करते हैं तो वो फंगस अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। एंड बहुत बार दोस्तों, कान के अंदर एक गोड ने हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है, एक स्क्वैमस एपिथीलियम, एक पतली लेयर होती है जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। हम जब कान के अंदर यूँ करते हैं दोस्तों, तो उसके कारण क्या होता है कि वो वहाँ डैमेज हो जाता है एंड वो वहाँ फंगस जो है वो डिपॉजिट होगी। सो जो आज फंगस डिपॉजिट हुई है, वो 15 या 20 दिन बाद धीरे धीरे वहाँ ग्रो करती है, फिर आपको ईचिंग होगी, फिर आप वही सिलसिला चालू कर दोगे। सो दोस्तों, यह एक इम्पोर्टेंट कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों, कान के अंदर जो गोड ने एक फिजिकल बैरियर बनाया है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंशन करने का, वो बैरियर के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपको बार बार दिक्कत होगी। हमारा जो गेट जो बना हुआ है, उस गेट में अगर जो दरवाज़ा है उसमें एक बड़ा सारा छेद होगा, तो आपके अंदर की जितनी भी जो चीज़ें हैं, वैल्यूबल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगी। इसलिए कान का जो पर्दा है, उसमें अगर कोई होल है, कान के पर्दे में कोई छेद है, तो भी दोस्तों आपको बार बार ईयर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वो आपकी सुनाई भी कमज़ोर करेगा, तो उसके कारण भी जो है वो आपको बार बार जो है वो प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी होता है कि आप कहीं ऐसे वातावरण में काम करते हैं, कॉटन फैक्ट्री है, या जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा धुआं है, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे डस्ट का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे भी क्या है आपके कान के अंदर बार बार ये डिस्चार्ज होता है। सो ये वो सारे कारण हैं। या कई बार दोस्तों, कोमोर्बिडिटी होती है। कोमोर्बिडिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको कोई कैंसर कीमोथेरेपी लगी हुई है, या कई पुराने कैंसर की समस्या से, सो आपकी जो है रोग से लड़ने की क्षमता कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। सो दोस्तों, ऐसी कंडीशन के अंदर भी कान के अंदर बार बार डिस्चार्ज हो सकता है। सो अब इस समस्या का मैनेजमेंट दोस्तों कैसे करेंगे, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में भी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो हमारा सिम्टोमेटिक इलाज नहीं करेगा दोस्तों, उसका कारण पकड़ेगा कि डॉक्टर साहब ये कारण मेरे को ही क्यों बार बार कान में डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये सारा काम जो है वो डॉक्टर हमारा पता लगाते हैं। सो दोस्तों, इसका क्या मैनेजमेंट है, अगला वीडियो देखना ना भूले, जिससे हम जो है उसका उपचार एंड फिर हम बात करेंगे जो है उसका बचाव के उपाय, प्रिवेंशन, तीसरे वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।